जैसा कि आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं ओमिक्रॉन वायरस से, तो आज हम जानेंगे ओमिक्रॉन के बारे में कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएशन के बारे में बता देता हूँ। वायरस में एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रूप बदलना। तो कोरोना का ही एक अलग वेरियंट है ओमिक्रॉन, जिसका पहला केस साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। कोरोना वायरस का यह नया वेरियंट हमारे लंग्स पर डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना कम असर डालता है। ओमिक्रॉन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वास नली में चला जाता है और वहीं डेवलप करता है। और ख़ास बात यह है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक एंटीबॉडी पाया जाता है, और ये एंटीबॉडी जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उससे लड़ने में मदद करता है। तो ये एंटीबॉडी ओमिक्रॉन के वेरिएंट को कमज़ोर कर देता है, वहीं डेल्टा वेरिएंट को ये एंटीबॉडी रोकने में नाकाम हो जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट लंग्स पर 10 गुना कम असर डालता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट हमारे लंग्स पर बहुत बुरा असर डालता है। डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन होने के बाद ब्लैक फंगस तक हो जाता था, और तो और डेल्टा वेरिएंट श्वास नली में रुकने के बजाय सीधे लंग्स पर अटैक करता है। और मैं जो बार बार एंटीबॉडी बोल रहा हूँ, तो आखिर ये एंटीबॉडी है क्या, आइए इसे हम समझते हैं। जिस तरह सैनिक हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, जब भी कोई दुश्मन हमारे देश में इंटर करता है तो सैनिक उसे मार गिराते हैं, उसी तरह ये एंटीबॉडी काम करता है। हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण इंटर करता है तो ये एंटीबॉडी इससे हमारे शरीर को बचाता है। और साउथ अफ्रीका के एक स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण में गंभीर मरीजों की संख्या कम है। ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होने वाले में ज़्यादा एंटीबॉडी पाया गया है, और तो और वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनता है उससे 14 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी हमारे शरीर में इससे बनता है, जिससे डेल्टा वेरिएंट को ओमिक्रॉन ख़त्म कर सकता है। डेल्टा के तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट में मृत्यु दर काफ़ी कम है, इसलिए ओमिक्रॉन को कम खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कई गुना तेज़ी से फैलता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का मतलब सर्दी जुकाम से ज़्यादा नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ओमिक्रॉन से हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। तो हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर कोई संक्रामक बीमारी फैली है तो हर्ड इम्यूनिटी की वो अवस्था होती है जब आबादी का एक निश्चित हिस्सा उस बीमारी के प्रति इम्यून हो जाए, यानी कि बाकी आबादी में ये वायरस नहीं फैलता। आमतौर पर हर्ड इम्यूनिटी वर्ड का यूज वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है, मगर हर्ड इम्यूनिटी तब भी हासिल की जा सकती है जब पर्याप्त संख्या में लोग इन्फेक्ट होने के बाद इम्यून हो जाए। कोरोना में हर्ड इम्यूनिटी का दरअसल मतलब यही है। इसके मुताबिक अगर एक निश्चित आबादी इम्यून हो जाए तो वो लोग किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चेन टूट जाएगी। अभी चारों तरफ ओमिक्रॉन का डर बना हुआ है, पर मैं आज आपको 5 ऐसी वजह बताऊंगा जिससे जानने के बाद आप ओमिक्रॉन से ज़्यादा नहीं डरेंगे, बस सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। पहली वजह यह है कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक माइल्ड इन्फेक्शन है। दूसरी ये है कि अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के लक्षण सामान्य फ्लू की तरह ही है। तीसरी वजह है कि ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होने पर ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट नहीं आती। चौथी वजह यह है कि ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने पर कुछ ही दिन तक लक्षण दिखाई देते हैं। पांचवी वजह यह है कि ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने के बाद अस्पताल में एडमिट होने वाले की संख्या बहुत कम है।